तो गाइस यार कल रात की पार्टी के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो मैं सीधा भी जाने वाला हूँ अपने घर पे और सीधा जाके सो जाऊँगा। तो फटाफट से चलते हैं और शिनचैन चॉप देख रहे थे क्या कर रहे हैं। ये क्या, शिनचैन सामने डांस कर रहे हैं और चॉप यहाँ पे ना रहे। और शिनचैन क्या हाल है? अरे विकी मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। आओ फ्रैंकलिन तुम आ गए, तुम में से तो बहुत बदबू आ रही है, आओ मेरा साथ ना लो। अब यार तेरे साथ कौन ना आएगा, तेरे पूल में तू ही ना, मेरे पास इतना बड़ा पूल है मैं उधर नहाऊंगा और मेरे में से कोई बदबू भी नहीं आ रही। शिनचैन मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, कल रात को मैंने बहुत पार्टी करी है, तो अभी मैं सीधा सोने जा रहा हूँ। अरे ठीक है फेंकी पर जाओ जाओ, मैं तो वैसे भी नन्हे को दीदी के साथ खेलने जा रहा हूँ। हाँ जा जा। तो गाइस फटाफट से सोने चलते, बहुत ज्यादा थक गया हूँ मैं, चलो फटाफट से सो जाते हैं। आज कौन सी गाड़ी चुराऊं समझ नहीं आ रहा। अरे वाह, गाड़ी बोलते ही सामने इतनी बढ़िया कार आ गई, चलो आज इसको ही चुरा लेते हैं। ये डाली मास्टर की और ये मेरी गाड़ी खुल गई। ओहो क्या गाड़ी है, एकदम रैपचिक। ए अंकल साइड हो जाओ। अरे ये क्या हो गया, इस गाड़ी से तो अंकल को उड़ा दिया। अरे सबको लगेगा कि इस अंकल को मैंने उड़ाया है और मेरे को जेल में डाल देंगे। मेरे को जेल में नहीं जाना, मैं तो छोड़ रहा हूँ इस गाड़ी को, नहीं कोई दूसरी गाड़ी चुराऊंगा। सर हमें यहाँ पे एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ है, जल्दी से हम बस पहुँचने वाले और हम यहाँ पे पहुँच गए। ये क्या, एम्बुलेंस हमसे पहले पहुँच गई और ये मीडिया वाले हर जगह आ जाते हैं। ए चलो चलो खाली करो, पुलिस आ चुकी है। ए अंकल को किसने मारा? हमारे पास ये गाड़ी है सबूत में, इसमें नंबर प्लेट भी है। अरे जल्दी से पता करो ये किसकी गाड़ी है। RJ01432948। हाँ जल्दी से नाम कर बता, जल्दी से नाम पता करके बताओ। अच्छा हाँ फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन। अच्छा ठीक है इसी घर का एड्रेस दो। हाँ अरे ये तो यही का एड्रेस है, रुको अभी उसी घर पे जाता हूँ। फ्रैंकलिन के बच्चे अंकल को उड़ाता है, मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ए फ्रैंकलिन द मर्डरर, बाहर निकल, पुलिस आई है, पुलिस। यही उस फ्रैंकलिन का घर है जिसने उस बेचारे अंकल को मार दिया। ए फ्रैंकलिन बाहर निकल, देखो आज मैं जेल में लेके जाऊंगा। अबे कौन चिल्ला रहा है बदतमीज, किसी घर के बाहर चिल्ला तो शर्म नहीं। क्या बोल रहे हो? मैं कुछ नहीं बोल रहा। अंकल ये बोल रहे थे कौन चिल्ला रहा है बदतमीज। अरे नहीं मैं वो तो मैं फोन पे बात कर रहा था। मेरी बात सुनो, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी तो ये रही ना। मेरी गाड़ी कहाँ चली गई? ए शिनचैन मेरी गाड़ी कहाँ है? अरे विकी मुझे क्या पता है। और अंकल मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरी गाड़ी चोरी हो गई। बच्चे झूठ मत बोलो, हमें पता चल चुका है तुमने मर्डर किया अपनी गाड़ी से। अच्छा मैंने मर्डर किया है? क्या? मैंने कोई मर्डर नहीं किया। मैं क्यों मर्डर करूंगा, मुझे तो मर्डर करना आता भी नहीं है और मेरी गाड़ी और चोरी हो गई है, मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। बच्चे मर्डर तो तुम्हारी गाड़ी से ही हुआ है और हमको पक्का पता है वो मर्डर तुमने किया होगा। अरे मैंने सही में नहीं किया, मैं तो आराम से सो रहा था। शिनचैन से पूछ लूं। मैं शिनचैन से क्यों पूछूं, वो भी तो झूठ बोल सकता है, क्या पता उसने मर्डर किया हो। अरे अंकल मैंने नहीं मर्डर किया है, चलो चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। अंकल प्लीज सॉरी, मैंने सही में कुछ नहीं किया। नहीं बच्चे अब तो तुम जेल में जाके सच बताओगे, जब डंडे पड़ेंगे तुमको। नहीं अंकल ऐसा मत करो। अरे विकी बे शिनचैन मुझे बचा ले, मुझे क्यों लेके जा रहे हैं, मैंने कोई मर्डर नहीं किया अंकल। वो तो जाके पुलिस स्टेशन में पता चली जाएगा। अरे जब अब क्या करें, फैंकी बेग तो पुलिस पकड़ के ले गई। मुझे क्या पता क्या करना है, हमें तो फ्रैंकलिन को बचाना पड़ेगा जेल में से। अरे पर कैसे बचाएंगे, मेरे को तो किसी को जेल में से बचाना नहीं आता है। मुझे पता, हमें बहुत सारा पैसा चाहिए होंगे। अरे क्या बहुत सारे पैसे, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने पड़ेंगे ताकि मैं फैंकी बेग को बचा सकूं। अरे अंकल, अरे अंकल, अरे कुछ खाने के लिए दोनों, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। लाओ पैसा दो खाना लो। अरे अंकल पैसे तो नहीं है। पैसा तो लगेगा बेटा, फ्री में खाना नहीं मिलता। अरे अंकल मुझे अपने साथ काम पे रख लो, मैं काम कर दूंगा। अरे निकल जाओ बच्चे, हम बच्चों को काम पर नहीं रखते। अरे मुझे कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं फैंकी बेग को जेल में से निकाल सकूं। रुको रुको, सामने कोई अंकल काम कर रहे हैं, उनसे जाके पूछता हूँ मेरे लिए उनके पास कुछ काम है क्या। अंकल, ओ अंकल मेरी बात सुनो। अरे अंकल मेरा नाम है शिनचैन नोहारा, मेरी उम्र 5 साल है, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, आपके पास कुछ काम है क्या। अरे बच्चे मेरे पास काम तो है पर तो बहुत छोटा लग रहा है, क्या तू काम कर पाएगा। अरे अंकल कोई भी काम बोलो मैं सारे काम कर दूंगा। ओ यार सारा का सारा काम कर देता, उससे कोई भी काम करा लो। अच्छा ठीक है तो मेरी बात सुनो, सामने से कीचड़ वाला पानी आ रहा है और एक जगह से साफ वाला पानी आ रहा है, कीचड़ वाला पानी और साफ वाला पानी अलग अलग कर दो, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा और मैं तुमको पैसा दूंगा। अरे अंकल ठीक है सारा का सारा कीचड़ वाला पानी अलग करना है और यार अच्छा वाला पानी अलग करना है, चलो चलो सारा का सारा पानी साफ कर देते हैं। और शिनचैन तुम कीचड़ वाला पानी को साफ कर रहे हो, ये क्या काम कर रहे हो। अरे जब मुझे सारे के सारे काम करने पड़ेंगे, मुझे फैंकी बेग को जेल में से निकालना है। और शिनचैन तुम बहुत ही अच्छे हो। और गाइस अगर आप चाहते हो कि फ्रैंकलिन जेल में से निकल जाए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। शिनचैन इतना ज्यादा काम कर रहा है, आप भी छोटा सा काम करो, लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जाके लिख दो हेल्प फ्रैंकलिन, ताकि उसको जल्दी से जेल में से छोड़ दे। अरे अंकल मैंने अपना काम कर दिया, मुझे पैसे दे दो। अरे हाँ बेटा ये ले 20 रुपए। अरे क्या 20 रुपए? अरे अंकल सिर्फ 20 रुपए से क्या होगा। अरे बेटा जितना काम करेगा उतना ही तो पैसे मिलेगा। देखो कितने पैसे चाहिए? अरे अंकल मुझे तो $10 मिलियन चाहिए। अरे क्या $10 मिलियन? इतने तो मैं नहीं कभी नहीं देंगे, निकल यहाँ से। अरे ये क्या, ये अंकल ने तो मुझे सिर्फ 20 रुपए दिए। अरे 20 रुपए से क्या हो गया? अरे क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे मुझे जल्दी से कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं बहुत सारे पैसे कमा सकूँ और फैंकी बैग को जेल में से निकाल सकूँ। पर इतनी जल्दी से $10 मिलियन कहाँ से आएंगे? अरे क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे ये यहाँ पे कौन सो रहा है? अरे अंकल यहाँ पे सोने की जगह क्या घर पे जाके सोना? अरे बेटा बचा ले मुझे। अरे बेटा। अरे अंकल क्या हो गया? अरे बेटा 10 दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दे। अरे अंकल मेरे पास तो खुद के पास कुछ नहीं है। अरे बेटा कुछ भी दे दे। अरे अंकल रुको रुको, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। अरे कहाँ से लाऊं कहाँ से लाऊं? अरे हाँ मेरे पास तो 20 रुपए है ना, जल्दी से जाके उन फ्रूट वाले अंकल से 20 रुपए की फ्रूट लेके आता हूँ। चलो चलो जल्दी से चलते हैं। अरे अंकल ये लो 20 रुपए और बहुत सारे फ्रूट दे दो। अरे बेटा 20 रुपए में ज्यादा फ्रूट नहीं आते, रुक तो जाए प्लेट बना के देता हूँ, केले। तो आज के लकी सब्सक्राइबर की बात करें तो जिनका नाम है दुर्गा माधव त्रिपाठी, जिन्होंने लिखा है बहुत अच्छे हो, थैंक यू दुर्गा माधव त्रिपाठी, शाउट आउट टू यू और बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। तो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं जिनका नाम है विनोद गोए। उन्होंने लिखा है लाल दिल लाल दिल लाल दिल, रेड हार्ट रेड हार्ट रेड हार्ट, लाल दिल भैया आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो, आपकी बचपन से वीडियो देखता हूँ, बाय बाय। विनोद भैया शाउट आउट टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए। तो गाइस अगर आप भी बनना चाहते हो लकी सब्सक्राइबर विनोद भैया की तरह तो फटाफट के वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जाके बहुत अच्छी लाइनें लिख दो और अगली वीडियो में आपका नंबर भी आ सकता है और आपको शाउट आउट भी मिल सकता है, तो फटाफट जाके कर देना। अरे गाइस जल्दी से ये पर सारे के सारे फ्रूट्स में लेके चलता हूँ अंकल के पास। अरे चाय पाजा अंकल कहाँ पे थे? अरे अंकल अंकल मैं आ गया, ये लो सारे के सारे फ्रूट्स खा लो। अरे बेटा जल्दी खिला वरना मैं मर जाऊंगा। अरे अंकल ये लो खा लो यार। अरे बेटा अरे वाह क्या फ्रूट है। अरे अंकल मैं भी एक खा लूंगा। अरे नहीं बेटा मुझे बहुत भूख लगी है। अरे ठीक है अंकल खा लो। अरे बच्चे तूने तो मेरी मदद कर दी, इतना सारा अच्छा खाना दिया, अब मैं तेरी मदद करूंगा। अरे अंकल कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ, चलो बाय बाय। अरे नहीं बच्चे रुक तो सही, ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम बच्चे बन जा आइसक्रीम। अरे अंकल मुझे आइसक्रीम नहीं बनना है। अरे बच्चे इससे तो आइसक्रीम नहीं बनेगा, पर इससे तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी क्या जरूर बन जाएगा। अब देख मेरे मंत्रों का कमाल, ओम ब्रीम कोल्ड क्रीम बना दे इसको सबसे महंगी आइसक्रीम। अरे ये अंकल क्या चली गई? अरे अंकल क्या चली गई? लगता है इन्होंने हमें पागल बना दिया। एक तो सारा खाना खा गए, वो तो खा गए, पर हमको पागल क्यों बनाया? अरे चौप चलिए ऐसे चलते हैं। और शिनचान अब 10 मिलियन कहाँ से लाएंगे? हमें फ्रैंकलिन को बचाना है। अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गया था, हमें तो फैंकी बैग को बचाना है। अरे फैंकी बैग को कैसे बचाया मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकल रुको हमें जेल तक लिफ्ट दे दो। ए बच्चे जेल कहाँ जाना है तुमको? अरे अंकल वो सब छोड़ो ना, मुझे लिफ्ट दे दो। अरे बच्चे अभी लेके चलते हैं। ओ यार क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? अंकल ये आपके पास कौन सी गाड़ी है कलर चेंजिंग वाली? अरे बच्चे क्या बोल रहे हैं? अरे रुको मुझे एक चीज टेस्ट करने दो। अरे ये क्या हो गया? ओह शिनचान ये क्या करा तुमने? अरे ये क्या हो रहा है? अरे बच्चे टुकुर काहे देख रहा है, जैसे कि कोई डायमंड देख लिया हो। अरे अंकल डायमंड ये, जल्दी गाड़ी से उतरो। अरे बच्चे क्या हो गया? अरे अंकल आपकी गाड़ी को देखो। अरे बच्चे ये क्या कर दिया, मेरी गाड़ी को डायमंड में कन्वर्ट कर दिया। अरे बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया, ये गाड़ी तो बहुत अच्छी है। अरे अंकल अब तो मुझे जेल में छोड़ दो। अरे आजा जेल क्या, मैं तो तुझे दुबई छोड़ दूंगा, जल्दी बैठ जा, इतनी बढ़िया डायमंड की गाड़ी मिल गई, आजा। अरे गाइस सर अभी मुझे पता नहीं कौन सी शक्तियाँ मिल चुकी है, जैसे मैंने इनकी गाड़ी को टच किया वो डायमंड की बन गई। चलो फटाफट से पुलिस स्टेशन में चलते हैं, अब तुम फैंकी बैग को आराम से बचा लेंगे। अरे फैंकी भी आ गई हम। अरे सामने क्या चल रहा है? अरे ये तो फैंकी बैग को मार रहे। अरे फैंकी हम आ गए। अरे छोड़ दो मेरे को, अरे मत तुम्हारा मेरे को शिनचैन मेरे को बचा ले। अरे अंकल रुक जाओ, अरे फैंकी बैग को मत मारो। और बच्चे दूर रहे यहाँ से। अंकल इनको छोड़ दो, मैं आपके लिए $50 मिलियन लाया हूँ। कौन से 50 मिलियन? हमको भी दिखाओ। अरे आजा अभी आपकी सारी गाड़ियों को डायमंड का कर दूंगा, फिर वो 50 मिलियन से भी ज्यादा हो जाएंगे। क्या हमारी गाड़ियों को डायमंड में कन्वर्ट करेगा क्या? दारू भी क्या है क्या? चल करके दिखा। अरे लो कर दी। अरे ये क्या, ये इसने तो सही में डायमंड की कर दी। ए बच्चे कहाँ से आया तू, कौन से प्लेनेट से आया, चुपचाप बता दे। अरे अंकल मैं कहीं से भी आया हूँ, फेंकी बैग छोड़ो ना। हाँ आ जाओ फ्रैंकलिन को छोड़ देते हम। अरे जल्दी जल्दी चलो। अरे कहीं सर मैंने इनकी गाड़ी डायमंड में कर दी तो ये फेंकी बैग छोड़ने वाले। अरे मजे आ गए। अरे फेंकी बैग आ जाओ। शिनचैन मैं आ गया अरे फेंकी बैग आ जाओ। अबे वैसे इन्होंने मुझे छोड़ा कैसे, तूने 10 मिलियन इनको ला के दिए। अरे फेंकी में 10 मिलियन नहीं पूरे की पूरे 150 मिलियन। क्या तूने उनको 150 मिलियन दिए कैसे? अरे फेंकी बैग घर के अंदर बताता हूँ। हाँ बता बता। अरे फेंकी बैग मेरे को ऐसी शक्तियाँ मिल गई है, मैं किसी भी चीज को टच कर रहा होता है वो डायमंड की बन जा रही है। क्या ये कैसे हो सकता है? अरे फेंकी बैग वो तो यार मैंने बाबा की मदद करी थी तो उन्होंने मुझे ऐसी खतरनाक शक्ति दी, मैं किसी भी चीज को टच कर रहा हूँ तो वो डायमंड की बन जा रही है। अबे ये सब कैसे हो सकता है? अरे फेंकी बैग ऐसे ही हो सकता है, तभी तो मैंने सारे पुलिस वालों की गाड़ी डायमंड में कन्वर्ट करी और उन्होंने आपको छोड़ दिया। अरे भाई साहब शिनचैन तू तो बहुत ही खतरनाक बात कर रहा है। रुक जा मैं कोई गाड़ी लेके आया था तो उसको करके दिखाई हूँ। अरे ठीक है फेंकी बैग जल्दी से लेके आओ। हाँ ठीक है। तो अभी मेरी गाड़ी तो यार पुलिस वाले लेके चले गए थे, इसलिए यार ये वाली गाड़ी को मैं लेके जाना हमारे पड़ोस वाली गाड़ी की। देखते क्या शिनचैन सही बोल रहे हैं, पर अगर ऐसा हुआ तो भाई हम तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। पर शिनचैन किसी भी चीज को टच करो तो वो डायमंड की बन जा रही है, ये कैसे हो सकता है? शिनचैन ले मैं गाड़ी ले आया, फटाफट से टच करके डायमंड की बना दे। अरे देखिए मैं के भी अभी के बना देता हूं। अरे काइजर चलो गाड़ी को टच करते डायमंड में। ये 1 2 3 गो। अबे ये क्या हो गया? अरे ये तो सही में डायमंड की कन्वर्ट हो गई। अरे देखिए मैंने तो बोला ही था मैं इतना भी खास नहीं। अरे शिनचैन तो बहुत ही खास है। तो काइजर अभी आप देख सकते हो इस गाड़ी को शिनचैन ने चेंज कर दिया डायमंड में और ये कितनी ज्यादा खतरनाक हो गई है। तो गाइस यार अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं भाई, बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, फुल मजे कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि शिनचैन के पास मिल चुकी है डायमंड पावर्स। तो गाइस सबसे पहले हम जाने वाले बहुत सारे अच्छे कपड़े लेने, क्योंकि उन पुलिस वालों ने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, लात मार के डंडे मार के बहुत दर्द होता है और मेरे कपड़े गंदे भी होते हैं। तो फटाफट से पहले यार कपड़े चेंज कर लेते हैं, मस्त कपड़े ले लेते हैं। तो गाइस यार अभी मैंने ये बढ़िया सा सूट ले लिया, शिनचैन ने पेमेंट कर दिए वो भी डायमंड्स में। सबके सब लोग यहाँ पे आके पैसे देते हैं और शिनचैन ने उनको डायमंड दे दिए। ये सब छोड़ो, अभी हम जाने वाले कार्स की शॉपिंग पे, घर की शॉपिंग के लिए और भी बहुत सारी शॉपिंग के लिए, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं और थोड़ी कार्स खरीदते हैं। तो गाइस अभी हम साइमन के शोरूम पे आ जाएंगे और साइमन भाई क्या हाल है, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ डायमंड की कार। क्या डायमंड की कार? फ्रैंकलिन मेरे सामने झूठ मत बोल। और ये इतना महंगा सूट तूने कैसे खरीदा, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। अरे महंगा है, बहुत महंगा है, तू देख तो ले, सही में डायमंड की गाड़ी है। अच्छा अभी देख लेता हूँ। अरे ये तो सही में डायमंड की गाड़ी है, रुको मुझे इसका टेस्ट करना पड़ेगा। अरे ये तो सही में डायमंड की गाड़ी है। फ्रैंकलिन कितने में देगा? तेरी कोई भी एक नॉर्मल गाड़ी दे दे। क्या कोई भी गाड़ी दे दो? हाँ दे। अरे फ्रैंकलिन ले जा कोई सी भी गाड़ी ले जा। अच्छा ठीक है। तो गाइस अपन फटाफट से कोई सी भी अच्छी सी गाड़ी सेलेक्ट कर लेते हैं और हाँ और भी गाड़ी आती रहे तो भेजते रहना। अरे हाँ फ्रैंकलिन तू डायमंड की गाड़ियाँ भेज, मैं देखो जितनी महंगी गाड़ी चाहिए करूंगा। एक सेकंड ये गाड़ी डायमंड में कन्वर्ट कैसे करी? फ्रैंकलिन रुक जा। अरे भागो यहाँ से, उसने मुझे देख लिया। तो गाइस अभी हम जाने वाले हमारे नए घर में, क्योंकि हमने ले लिए नई कार तो नई कार से जाएंगे नए घर में, बहुत ही मजा आएगा। तो अभी हम आ चुके अपने नए घर में, फटाफट से यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। क्या गाड़ी बाहर अंदर रखे, क्या अंदर रखे? चलो अंदर ही रख लेते हैं। फटाफट से गाड़ी को अंदर लेके जाते हैं। ये अपना पार्किंग है, बहुत ही तगड़ा वाला यहाँ पे पार्किंग है। अभी हम जाने वाले घर के ऊपर, बहुत ज्यादा मजा आने वाले। और पहले बाहर पे दिखा दूँ हमारे पास कितनी तगड़ी गाड़ियाँ और भी बहुत सारी चीजें खड़ी है। यहाँ पे कितनी सारी बाइक्स है, वहाँ पे हमें स्विमिंग पूल दिख चुका है। ये देखो भाई कितना ज्यादा मस्त है। यहाँ से अपने घर की एंट्रेंस है जो मेन गेट है, यहाँ से अंदर घुसते मस्त सा बार बना हुआ है। नहीं मतलब ये नीचे वाला पार्टी एरिया, इसको मेन गेट नहीं बोलेंगे, इसको पार्टी एरिया वाला गेट बोलेंगे, मतलब पार्टी गेट कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ से वो जो गेट है जहाँ से हम गैराज से अंदर आ सकते हैं। तो इसको छोड़ो और देखते हैं हमारे घर में क्या क्या है। ये हमारा गेमिंग जोन, यहाँ पे देखो कितने मस्त गेम्स पड़े, इतना बड़ा सोफा पड़ा, इतना बड़ा टीवी, यहाँ पे खेल सकते हैं बहुत सारे गेम, बहुत सारी मूवीज देख सकते हैं। और यहाँ पे पूल टेबल भी है जहाँ पे बैठ के बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं। और ये हमारा बेडरूम जहाँ पे बड़ी सी टीवी, बड़ा सा मॉनिटर, बड़ा सा गेमिंग पीसी, सब चीजें पड़ी, मतलब फुल मजे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फुल मजे कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पूल टेबल तो देख ही लिए और देखते हैं हमारे घर में क्या क्या मस्त चीजें हैं। इस वाले हमारे रूम में मस्त यार ज्वेलरी का कलेक्शन, यहाँ पे तो बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी है, बहुत ज्यादा महंगी। और यहाँ पे एक और बड़ा सा टीवी, एक और बड़ा सा बेडरूम, और जहाँ पे पड़ा है PS5 जिसमें हम खेलने वाले बहुत सारे मस्त गेम। आपका सबसे फेवरेट गेम कौन सा है? मुझे फटाफट से कमेंट करके बता देना। और देखते हैं हमारे घर में क्या, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सामने बहुत सारे पैसे वैसे पड़े, यहाँ पैसे गिनने की यहाँ पे हमने मशीन भी रख रही है। आराम से पैसे गिनो, फुल मजे करो। ये अपने बाथरूम में आ चुके हैं, कितना मस्त बाथरूम है, यहाँ पे बाटा भी है और ऊपर से घास ऐसे निकल रही है, बहुत ज्यादा मजा आता है यहाँ पे नहाने में। और देखते देखते हमारे घर में क्या क्या है ये तो हमने देख लिया। हमारे यहाँ पे कपड़े वपड़े पड़े रहते हैं और नीचे वाले फ्लोर पे चलते हैं क्या क्या है हमारे पास। और ये रहा हमारा एक और पूरा पार्टी फ्लोर। माइकल और ड्राइवर आए हुए यहाँ पे पार्टी करने, इतना बड़ा सा सोफा, बड़ा सा टीवी, ये बैठ के यहाँ पे न्यूज देख रहे हैं और फुल मस्त यार पार्टी कर रहे हैं। और ये देखते हैं यहाँ पे क्या, ये तो मैंने भी नहीं देखा था। अच्छा एक और बाथरूम, अरे गाइस इसका तो मेरे को भी पता था। यहाँ पे कितना ज्यादा बड़ा वाला बाथरूम है और यहाँ पे जकूजी भी, पर्सनल जकूजी, आराम से इसके अंदर नहा सकते हैं। बाहर अपना स्विमिंग पूल अपन को दिख ही रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा मस्त है। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताओ अभी तक आपको हमारा घर कैसा लगा और देखते हैं हमारे घर में क्या क्या है। और यार अंदर का तो चलो बहुत हो गया, अब चलते हैं बाहर क्योंकि अंदर का लगभग हमने सब देख लिए, किचन विचन तो क्या ही देखना। अभी चलते हैं कुछ सबसे बढ़िया वाला एरिया देखा था जो कि है बाहर का, ये पूरा पार्टी पूल जहाँ पे ये दीदियाँ बैठी, इनको मत देखो। और यहाँ पे देखो कितना बड़ा स्विमिंग पूल है, इतना बड़ा डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे हमने छोटा सा किचन बना रखा है, कुछ भी यहाँ पे खा बना के पी सकते हैं। और यहाँ पे हमारी बोट पड़ी जो कि हवा में उड़ रही है, अच्छा नहीं पानी में तैर रही है। और सामने मस्ती नदी भी है, यहाँ पे नदी में जाओ या स्विमिंग पूल में जाओ, अंदर बाथटब में जाओ या अंदर जकूजी में जाओ, इतनी सारी नहाने की चीजें। तो कुल मिला के हमारा घर बहुत ही खतरनाक। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाना, फॉलो कर लेना। और गाइस यार मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।